देखिए डावे जैसा पनीर बनकर रेडी हो चुका है। आप इसे एक बार बनाएंगे तो आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। आज मैं आपके साथ ढावा स्टाइल की पनीर टिक्का मसाला की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे बनाने में काफ़ी कम समय लगता है और खाने में ये काफ़ी टेस्टी होती है। अगर आप मेरी एक बार ये पनीर टिक्का मसाला की रेसिपी बनाएंगे तो आप ढावे का जो पनीर है वो खाना भूल जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण। रॉयल इंडियन किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। होटल जैसा पनीर टिक्का बनाने के लिए सबसे पहले हमने 200 ग्राम पनीर लिया है। हम पनीर टिक्का का मसाला बना लेते हैं। हमने एक बाउल लिया है। बाउल में 2 बड़े चम्मच दही लिया है। दही आपको एकदम खट्टा नहीं लेना है। 2 टेबल स्पून बेसन लिया है। 1/2 पनीर टिक्का मसाला में हम मसाला मिला लेते हैं। ये 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, ये कम तीखी होती है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून अजवाइन जिसे हाथों में लेकर अच्छे से क्रश करके इसमें डाल रहे हैं, 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पनीर मसाला, ये ऑप्शनल है, इसे आपस में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें पनीर के जो टुकड़े हैं वो धीरे धीरे करके इसमें डाल देते हैं। पनीर को एकदम धीरे धीरे करके डालना है क्योंकि पनीर सॉफ्ट होता है, नहीं तो वो टूट जाएगा। मसालों को अच्छे से पनीर के साथ मिला देते हैं। मसाला अच्छे से पनीर में मिक्स हो गया है। देखिए एक एक पनीर के ऊपर मसाले की अच्छे से कोटिंग हो गई है। अब हम इसे फ्रिज में 1/2 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देते हैं। 1/2 घंटा हो चुका है, हम पनीर को देख लेते हैं। देखिए पनीर अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। पनीर टिक्का बनाने के लिए सबसे पहले हमने 2 बड़े टेबलस्पून ऑयल लिया है। ये करीब 2 टेबलस्पून ऑयल है। इसे हम अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं। ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसमें अपने जो पनीर के पीसेस हैं वो डाल देते हैं। सारे पीसेस थोड़ा गैप बनाकर डाल देते हैं। ये हमने सारे पनीर के पीसेस डाल दिए हैं। अब हम इसे धीरे धीरे से पलट देते हैं। ये सारे पनीर को पलट देते हैं। ये सारे पनीर हमने पलट दिए हैं। ये जो ढाबा स्टाइल पनीर टिक्का है खाने में काफी टेस्टी लगता है। अगर आपने इस प्रकार बनाया तो आप मार्केट का जो पनीर टिक्का होता है होटल का वो आप भूल जाएंगे। आप इसे घर में इस प्रकार बनाइए। ये सारे पनीर के पीसेस हमने पलट दिए हैं। इसमें हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। देखिए पनीर अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसे साइड में रख देते हैं और गैस पर कढ़ाई चढ़ा देते हैं।
पनीर टिक्का मसाला की ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक बड़ा चम्मच ऑयल लिया है। देखिए ऑयल गरम हो चुका है, अब हम इसमें दो तेज पत्ता डाल रहे हैं, दो खड़ी लाल मिर्च, दो लौंग, दालचीनी, 1 टीस्पून जीरा। अब जो हमने ये दो बड़ी मीडियम प्याज का छोटे छोटा बारीक काट लिया था इसमें इसमें डाल रहे हैं। इसमें 1/2 टीस्पून हींग, 1/2 अदरक और लहसुन है। आप इसे तो चाहे तो बारीक पेस्ट बना सकते हैं, इसे भी मैंने हल्का हल्का सा कूट लिया था, इसे भी हम डाल देते हैं। फिर अच्छे से मिक्स कर देते हैं। हमें मसाला तब तक फ्राई करना है जब तक प्याज हल्की सी ब्राउन ना होने लगे। देखिए प्याज हल्की सी गोल्डन ब्राउन होने लगी है। अब हम इसमें 1 टीस्पून मिर्च पाउडर डाल रहे हैं। जब हमने पनीर को मैरिनेट किया था तब उस समय हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी। लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा। इन सबको आपस में अच्छे से मिक्स कर देते हैं। 1 टीस्पून नमक, नमक आप टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। याद रखना आपने नमक पनीर में मैरिनेट करते समय भी डाल दिया था। अब ये 2 मीडियम साइज के टमाटर हैं जिसे पेस्ट बना लिया है, आप इसे छोटे छोटे टुकड़ों में भी काट सकते हैं। टमाटर का पेस्ट पूरा डाल दिया है, अब इसे अच्छे से सारे मसालों और टमाटर को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं। अब हम मसाला देख लेते हैं। देखिए मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है और मसाला ने तेल भी छोड़ दिया है। इससे पता चलता है कि अपना मसाला जो अच्छे से भून चुका है। अब ये 2 टेबल स्पून टमेटो केचप है वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ, इसे भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। देखिए मसाले में काफी अच्छी खुशबू आ रही है। जो ढाबे वाले होते हैं वो इस प्रकार से पनीर टिक्का बनाते हैं। देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है और मसाले ने तेल भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें 2-3 टेबल स्पून के करीब पानी डाल देते हैं, इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं और 2-3 मिनट के लिए इसे ढक देते हैं। चलिए मसाले को देख लेते हैं। वाव, देखिए कितना अच्छा कलर आया है, खुशबू भी इसमें अच्छी काफी अच्छी आ रही है। अब हम इसमें जो पनीर टिक्का है अपना इसमें डाल देते हैं। मैंने इसे पैन में ही छोड़ दिया था, अब मैं इसमें डाल देती हूँ सावधानी से धीरे धीरे करके। अब इसे अच्छे से आप इसमें मिक्स कर देते हैं धीरे धीरे।
देखिए पनीर टिक्का की ग्रेवी देखिए काफी अच्छी लग रही है। पनीर टिक्का बनकर रेडी हो चुका है। आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। चलिए अभी पनीर टिक्का को हम एक बाउल में सर्व कर लेते हैं। ये अपना पनीर टिक्का मसाला बनकर रेडी हो चुका है। ये हमने थोड़ा पनीर बचाया था जिसे हम इसे गार्निश कर लेते हैं।